पहली जो आपने अटेम्प्ट की, आपकी और नीरज दोनों की अटेम्प्ट जो है वो फाउल हुई, तो उस वक्त क्या कोई एडिट प्रेशर आया था? जी उस वक्त प्रेशर नहीं था, लेकिन मेरी फीलिंग माशाल्लाह इतनी अच्छी थी कि मैं ज्यादा ओवर हो गया, जो मेरी रनिंग थी वो ज्यादा ओवर हो गई, जिसकी वजह से मेरी जो वो रनिंग खराब हुई, उसकी वजह से जो वो थ्रो नहीं हुई। और जब आपने फर्स्ट थ्रो की, उससे पहले क्या टारगेट क्या माइंड में था कि इसको मैंने मार्क करना है? जी पहली थ्रो पे मेरा टारगेट यही था कि मैं इंशाल्लाह 90 प्लस जो है ना वो क्रॉस करूं, तो बस वो फीलिंग इतनी अच्छी आ रही थी कि वो ज़्यादा ओवर होगी, जिसकी वजह से थ्रो नहीं हुई, तो वही अल्हम्दुलिल्लाह हुआ कि सेकंड मैंने थ्रो जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 92 प्लस की, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो पहली फीलिंग थी तो सेकंड में भी सेम वही फीलिंग थी। मैंने कहा था जब मेरे हाथ से लेजा निकलता है पता चल जाता है कितनी थ्रो है, पता चल गया था कि आज बिल्कुल जैसे मैंने हाथ से रिलीज किया तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पता चल गया था कि ये 90 क्रॉस अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है, तो वो अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो 92 प्लस हुई। अब आप दोनों पहले खेलते थे तो वो फर्स्ट पे होते थे, आप सेकंड पे होते थे, इस दफा रोल्स रिवर्स हो गए, उसके बाद नीरज से बात हुई, उसने कुछ बताया कुछ किया? आज बिल्कुल खुशी हुई उसको कि यार चले माशाल्लाह हम जो है ना पहले वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में भी हम साउथ एशिया से हैं, पूरे वर्ल्ड में परफॉर्म कर रहे हैं, तो अभी आप फर्स्ट हुए सेकंड हुए, तो मुझे फिर भी खुशी हो रही है कि हम साउथ एशिया के प्लेयर्स हैं और पूरे वर्ल्ड में परफॉर्म कर रहे हैं। आपकी मदर ने भी और उनकी मदर ने भी पैगाम दिया कि जी दोनों हमारे बेटे ही हैं, कैसे हैं, तो आप उसके ऊपर उसको कैसे देखते हैं, कैसे बैठ गए? अजी बिल्कुल बड़ी खुशी होती है, वो कहते हैं कि माएँ जो होती हैं वो सबकी एक ही होती हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमें पूरी दुनिया में जो है ना वो इस तरह की हमें माएँ मिली हैं जो हमारे लिए दुआ करती हैं और हम पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करें। आप क्या समझते हैं अगर आपके पास पाकिस्तान में बेहतर फैसिलिटीज होती हैं आप ये सब आप पहले कर सकते थे, आपको कम टाइम लगता है? जी बिल्कुल फैसिलिटीज मेरे ख्याल में अगर वर्ल्ड लेवल की मिल जाए तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं इससे भी और बेहतर कर सकता हूँ। अभी पाकिस्तान में बहुत से लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज? उनके लिए ये पैगाम है कि इंशाल्लाह कल 11 बजे की मेरी फ्लाइट है और कल रात को इंशाल्लाह मैं पहुंच रहा हूँ लाहौर एयरपोर्ट, तो बस मेरे लिए दुआ करें, खैर सलामती में आऊँ और इंशाल्लाह 14 अगस्त भी आने वाला है, इंशाल्लाह मिलकर मनाएंगे।